हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के लिए होंगे, और यहां पे हम चैप्टर फर्स्ट जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है इसके आईएमपी क्वेश्चन आज मैं आपको देने वाला हूं। और देखिए, हमारे चैनल पर टारगेट 90% प्लस बैच स्टार्ट किया गया है। अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ की लिंक आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आईएमपी जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक ऐसे निकाल के रखे हैं जिनसे प्रीवियस जो आपके 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं इन 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2021 के लिए जो क्वेश्चन आईएमपी हैं वो टॉपिक आज आपको मैं देने वाला हूं, साथ ही साथ आईएमपी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आईएमपी क्वेश्चन। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको अच्छे से तैयार करना है, और इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आपको ये तीनों टाइप अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार करना है, उसके बाद आपको डिटेल में तीनों पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहला तो टॉपिक ये था। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना है वो है हमारे पास 1-1 on 2। आपसे 1-1 निकालते आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा डायरेक्ट फाइंड 1-1 एंड ऑन 2। उसके बाद पूछ सकता है इन्वर्टेबल बताइए, सर्जेक्टिव बताइए, इंजेक्टिव बताइए, बाइजेक्टिव बताइए। तो आपको ये सब चीज़ें अपनी एनसीईआरटी से तैयार करना है। और देखिए, मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी लगा ली तो इसके बाहर आपको परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, या फिर आपकी जो एग्ज़ाम मास्टर, कोई भी बुक है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी करिए अच्छे से। तो यहाँ पर 1-1 on 2 अच्छे से तैयार करना है, और इतने टॉपिक, इन्वर्टेबल, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हम आगे आपको बताएंगे। और 1-1 on 2 के साथ साथ आपको इन्वर्स निकालते आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है फाइंड 1-1 on 2 एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ fx, इस तरीके से। और फॉग और गॉफ, अब यहाँ पे इन पूरे टॉपिक में से जितने भी टॉपिक हमने दिए हैं इनमें से मोस्ट आईएमपी टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक्स, जे, इतने आपको इतने टॉपिक तैयार करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 1-1 on 2 कर सकते हैं, और इन्वर्स और फाइंड एंड गॉप अगर आप चाहें तो ये नहीं कीजिए, क्योंकि इन्वर्टेबल अगर आप फाइंड कर देते हैं 1-1 on 2 फाइंड हो जाता है। आप देखिए इतने टॉपिक तो तैयार कर लीजिए 100%। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए टारगेट 90% प्लस बैच है, जो उसमें हम आपको आईएमपी क्वेश्चन आज दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन अगर आप लेना चाहें तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12, वहाँ आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम सिर्फ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2, सबसे पहली बात एक्सरसाइज 1.1 से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन किस टाइप के करना है, जो टॉपिक मैंने आपको बताए, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है वो आराम से हो जाएगी। उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 1.2 है हमारी, उसके बाद तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करना है, 7th और 10th क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इजीली आपका सब कुछ हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 11th, इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है 1.3 से। और इसके बाद जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है बाइनरी ऑपरेशन, वो आपको नहीं करना है। वो एमपी बोर्ड में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर आप 10 साल के पेपर भी उठा के देख लें तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और इसके बाद एग्जाम्पल 17th और 23, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम्पल, क्योंकि एमपी बोर्ड का अगर आप पेपर देखेंगे 2019 का देख लें, 2020 का देख लें, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल मेन रहते हैं। इसलिए सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन निकाले हैं। 4 मार्क्स के लिए अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको इन्हीं में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं के जैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन 100% आपको एक क्वेश्चन करना है, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर टारगेट 90% प्लस बैच चल रहा है, उसमें हम सभी चैप्टर के आईएमपी आपको देंगे। इसके बाद जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला तो सो डैट रिलेशन इज इक्वल टू इन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है एक, इसके बाद जो और में पूछा गया है, और वाला आप देख सकते हैं नीचे, इफ एफ एक्स, यहाँ पे देखिए एफ एक्स दिया है, जी एक्स आपको दिया है, साथ ही साथ आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ और फॉग। अब यहाँ पे देखिए आपको गॉफ फॉग की वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ फॉग टू आपको निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया गॉफ एंड फॉग आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, सेम इसी तरीके से 2020 में भी पूछा गया था और 2021 में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं।